नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, ये आप भीड़ जो देख पा रहे हैं, ये जिससे भीड़ जा रही है त्रिवेणी संगम जो आज एयर शो होने वाला है वो देखने के लिए। और अगर आप देख पा रहे हैं इतनी भीड़, जैसे कि इलाहाबाद छोड़ के सब जा रहे हैं, देख पा रहे हैं ये स्टूडेंटों की एरिया है। और ये प्रयाग स्टेशन का आप हाल देख सकते हैं कि रोड पर चलने की भी जगह नहीं है, और ये स्टेशन से होते हुए शॉर्टकट लेके जा रहे हैं सब लोग एयर शो देखने। और देख पा रहे हैं कितनी भीड़ लगी हुई है कि समझिए कि रोड पे चलने के लिए जगह भी नहीं। आप देख पा रहे हैं लाखों हजारों की संख्या में लोग बाहर निकले हैं, और ये लोग जा रहे हैं एयर शो देखने, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होने जा रहा है त्रिवेणी संगम में। तो चलते हैं और देखते हैं हम भी लोग। ये बक्सी बांध का, बक्सी बांध के पास आप देख पा रहे हैं ये जो पुल बना है, इसके नीचे से भी लोग कितने जा रहे हैं और पटरियों पे होके जा रहे हैं, क्योंकि रास्ते पे चलने की जगह नहीं है इसलिए लोग पटरियों से होके जा रहे हैं। और आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप रास्ते पे भीड़ देखिए, भीड़ इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोग एशिया का जो सबसे बड़ा शो होने वाला है उसके लिए बच्चा बूढ़ा सभी लोग जा रहे हैं। और अब अगर ये बात देख पा रहे हैं, भीड़ देखिए आप, इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है कि, और ये आप सामने देख पा रहे हैं ट्रेन आ रही है, ट्रेन तक को इन्होंने लोग ने रोक लिया है, और ये पटरी पे चल रहे हैं। और आगे आप देख सकते हैं ट्रेन खड़ी हुई है, लेकिन लोग जो है कि रुक ही नहीं रहे हैं और चलते चले जा रहे हैं। और भीड़ तो इतनी हो गई है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, अनुमान नहीं लगाया जा सक रहा है कि कितनी भीड़ अभी और आगे दिखेगी। और ये लोग ट्रेन को नहीं जाने दे रहे थे, तो बाद में इन लोगों ने ट्रेन को जाने का रास्ता दिया और ट्रेन रुकी हुई थी। तो ट्रेन निकलने के बाद आप भीड़ देख पा रहे हो, पटरियां तक पे चलने की जगह नहीं है। और जब ड्राइवर ने कहा तो फिर इन लोगों ने रास्ता दिया ट्रेन जाने के लिए। और अगर आप देख पा रहे हैं तो धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ रही है हॉर्न देते हुए। ये आप देख पा रहे हैं, बड़े उत्साहित हैं लोग एयर शो देखने के लिए। और करीब यहाँ से संगम अभी और दूरी पे है, यहाँ ये जो पटरियाँ पकड़ के ये लोग जा रहे हैं, ये लोग पहुँचेंगे संगम स्टेशन, संगम स्टेशन से दारागंज, और दारागंज से नीचे उतर के पहुँच जाएंगे। तो और आप देख पा रहे हैं ट्रेन निकल चुकी है और हम लोग भी ये आगे बढ़ चुके हैं। और आप ऊपर रोड पे देख पा रहे हैं कितनी भीड़ है कि रोड पे चलने के लिए जगह नहीं है और लोग पटरियों से जा रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं ये जो ट्रेन, कुछ लोग प्रयाग स्टेशन से संगम तक, इस ट्रेन में पूरा ट्रेन भरी हुई है, जो कि प्रयाग स्टेशन पे खाली हो जाती है, लेकिन अब ये ट्रेन आप देख पा रहे हैं पूरी भरी हुई है, कहीं जगह नहीं है, पूरी एकदम भरी हुई है और लोग दरवाज़ों पर लटकते हुए भी। और आगे देख पा रहे हैं पूरी ट्रेन भरी हुई है, पूरी ट्रेन देखिए, कहीं भी जगह नहीं है, दरवाजे पे भी कितने लोग लटके हुए। इस कदर भीड़ हो जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता था। और ये आप देख पाइए प्रयागराज संगम से भीड़ देखिए, पुल है जो कि 1.5 से 2 किलोमीटर का पुल है, आप सामने देख पा रहे होंगे, इस पुल में भी इतनी ज़्यादा भीड़ है कि देख पा रहे हैं दोनों तरफ। ये देखिए हेलीकॉप्टर आ गए हैं, और आप भीड़ को देखते हुए हम लोग आगे चलते हैं और गंगा जी के किनारे पे पहुँचते हैं, और वहाँ से देखेंगे एयर शो। और आप भी देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और भीड़ को देखते हुए चलिए। इतनी भीड़ आज तक की माघ मेले में भी नहीं होती है, जिस हिसाब से यहाँ पे भीड़ है। और ये दूसरा जहाज आ गया है, और हम लोग आगे चल रहे हैं। भीड़ जबकि प्रयागराज संगम में जगह रखने के लिए, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है, और एयर शो देखने सभी लोग आए हैं, छाता लेके आए हैं, पानी की बोतल लेके आए हैं, क्योंकि धूप हो रखी है यहाँ पे। ये पुल से इस साइड में देखिए, ये
पुल के दूसरी साइड में भी भीड़ लगी हुई है, जगह खड़े होने की भी जगह नहीं है। पुलिस वाले जो कि लगे हुए हैं, और ये संगम के चारों तरफ आप देख पा रहे हैं कितनी भीड़ है। ये देखिए पूरा पुल भरा हुआ है, ये आया जहाज। और आपको अभी एक चीज़ दिखाते हैं, वो आप सामने देख पा रहे हैं, ये दूसरी साइड, ये भी पूरा भरा हुआ है, कहीं भी खड़े होने की जगह नहीं है। सब छाता ले लेके आए हुए हैं, और इससे ज़्यादा अधिक स्टूडेंट हैं।